सो हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ तौसीफ। और दोस्तों, अभी जो हमारे पास गाड़ी है ये है पियाजो की ऐप BS6 है, और ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। कंपनी से भी मिस्त्री आए थे इसमें, तो वो लोग चेक करके गए तो उन्होंने कहा कि इसका ECM ख़राब है। तो वो फिर ECM लेकर के आए, तो हम भी ECM अपना लेकर के आए थे। देख पा रहे हैं कि ये BS6 है, और ये देखिए ऐप एक्स्ट्रा लक्स। तो चलिए इसको स्टार्ट करेंगे और देखते हैं कि आखिर क्या दिक्कत है इसमें। तो ये गाड़ी एक्सीडेंट की हुई थी, तो यार्ड में खड़ी थी। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि जो हमारा चाबी स्विच होता है उसका लाइन को हमको डायरेक्ट करना होगा, इसलिए चाबी स्विच यहाँ पर लगा हुआ नहीं है। तो हम इसके लाइन को हम सबसे पहले डायरेक्ट कर लेते हैं, और एक जो तार है इसको जब भी हम बॉडी से सटाएँगे तो हमारी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर सबसे देखने वाली बात यह है कि इसका जो MIL लैम्प है वो बत्ती नहीं आ रही है। MIL लैंप जब भी नहीं आएगी इसका मतलब ECM हमारा ऑन नहीं हो रहा है। तो चलिए आप देखते हैं कि ECM ऑन क्यों नहीं हो रहा है। तो हमने यहाँ पर सारे फ्यूज़ को चेक किया था, तो कहीं पर हमें दिक्कत नहीं मिला। यहाँ वाला हमने टोटल एक एक फ्यूज़ को निकाल करके वोल्टेज भी नापा, रिले को भी चेक किया, लेकिन हमें कोई वोल्टेज यहाँ पर नहीं देखने के लिए मिल रहा। और देख पा रहे हैं कि MIL की बत्ती नहीं है, और जब तक MIL की बत्ती नहीं आएगी तब तक कोई भी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। अभी देखिए यहाँ पर भी एक फ्यूज़ है इंजन के ऊपर, और यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ECU Power 1 ECU Power 2 ये वाला फ्यूज़ है जो ECU का मेन सप्लाई वाला फ्यूज़ है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये दो 10 एम्पियर और 15 एम्पियर का जो फ्यूज़ है। दोस्तों जब भी हमने इस पर वोल्टेज चेक किया तो यहाँ पर जो हमें वोल्टेज देखने के लिए मिल रहा है 3.5 वोल्ट, ठीक है, 3.5 वोल्ट देखने के लिए मिल रहा है, जब भी हमको यहाँ पर 12 वोल्ट देखने के लिए मिलना चाहिए। तो चलिए अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि 12 वोल्ट क्यों नहीं आ रहा। तो फिलहाल के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं कि इसको हम पहले यहाँ से एक ऊपर वाले रिले से वोल्टेज देते हैं, इसलिए कि वहाँ पर भी सेम सप्लाई जाता है, कहीं लाइन मिसिंग हो सकता है। तो हमने यहाँ पर वोल्टेज दे दिया है, और जैसे ही हमने वोल्टेज दिया तो आप देख पा रहे हैं कि इसका टैंक वाला मोटर चलने लगा, और हम इसका पाइप को खोल करके दिखा रहे हैं। ये देखिए जैसे ही हमने उसको वोल्टेज दिया तो हमारा ECM ऑन हो चुका है, और जो हमारा मोटर है देख पा रही है, देखिए मोटर कैसे चल रहा है हमारा। तो मोटर हमारा चलने लगा, तो जब मोटर चल रहा है तो अब हमारी गाड़ी स्टार्ट होनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर MIL की बत्ती आ रही है नहीं आ रही है, और इस व्हीकल को स्कैन भी करेंगे और देखेंगे कि इसमें फॉल्ट कोड क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं आगे कि MIL की बत्ती है अभी या नहीं है। तो देख पा रहे हैं कि हमने किस तरह से इसको देखा, और देख पा MIL और चेक दोनों बत्ती आ रही है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करने से पहले इसको स्कैन कर लेते हैं, और फिर देखेंगे कि आखिर फॉल्ट कोड कुछ बता रहा है क्या। और इसका जो OBD कोड है वो यहाँ पर है, OBD पोर्ट। तो दोस्तों हम सबसे पहले स्कैन करेंगे, ओके करते हैं, और जब भी हम स्कैन करेंगे और देखेंगे कि इसमें फॉल्ट कोड आखिर क्या है। तो हमारा कनेक्ट हो चुका है, अब जो भी प्रोटोकॉल कनेक्ट होगा उसी में हम स्कैन करेंगे, ओके। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं रीड फॉल्ट कोड। सबसे पहले हम फॉल्ट कोड को रीड करते हैं, जेनरिक में जाएंगे। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं फॉल्ट कोड आ चुका है हमारा क्रैंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर, क्योंकि जो इससे पहले जो मिस्त्री सब जो आए थे तो वो एक एक सेंसर को खोले थे, पिचकस लगा हुआ उसमें, तो वो सब ठीक है। तो अभी हम इस सारे फॉल्ट को हम क्लियर करते हैं, फिर से जाते हैं जेनरिक में। अब हम देख लीजिए फॉल्ट कोड क्या क्या कंडीशन है, अब हम इसको क्लियर कर देते हैं, क्लियर फॉल्ट, यस, ओके। अब यहाँ पर देख पा रहे फॉल्ट कोड क्लियर हो चुका है हमारा। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं फॉल्ट कोड क्या है। तो अब यहाँ पर देख पा रहे हैं कि नो, आपको हम थोड़ा जूम करके दिखा देते हैं, नो फॉल्ट कोड, यानी कि टोटल फॉल्ट कोड हमारा रीसेट हो चुका है। आपको फिर से हम एक बार दिखा रहे हैं जेनरिक में जा कर के, ये देखिए नो फॉल्ट कोड। तो अब हमारा फॉल्ट कोड टोटल रीसेट कर चुके हैं हम। तो चलिए अब हम स्टार्ट करके देखते हैं कि अब हमारी गाड़ी स्टार्ट हो रही है क्या। तो यहाँ पर देख लिया, हमने पहले भी बताया था, सबसे पहले हम इसको न्यूट्रल देखेंगे, जो N है और वो जो बूंदा है उसके सामने हम ले आते हैं, न्यूट्रल हो चुका है हमारा गाड़ी। और ये वाला तार को हम जैसे ही बॉडी में सटाएंगे तो हमारी गाड़ी स्टार्ट होनी चाहिए। तो हम सटा रहे हैं सबसे पहले, देखिए
अभी देखिए जैसे ही हमने सटाया हमारी गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है और देख पा रहे हैं हम आपको इंजन के पास भी ले जा करके दिखा रहे हैं। देखिए हमारी गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। फुल कोड अभी हम देख लेंगे फिर भी क्या दिक्कत है, और देख लीजिए क्या कंडीशन, स्टार्ट हो चुकी है हमारी गाड़ी। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दोस्तों हमारी गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पर अब हम सबसे पहले स्कैन करेंगे और मीटर के पास आपको दिखाते हैं कि अभी क्या कंडीशन है। तो चलिए फ्रेंड्स मीटर के पास और आपको दिखाते हैं। अभी दोस्तों देख पा रहे हैं कि ये चेक बत्ती आ रही है यहाँ पे। तो चेक बत्ती क्यों आ रही है उसको हम देखेंगे। समटाइम क्या होता है कि फोल कोड कुछ नहीं भी होने के बाद बैटरी का पोल खोल देंगे थोड़ी देर तो वो चली जाएगी, ऐसा बहुत बार देखा गया क्योंकि फोल कोड कुछ नहीं था। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में।